जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज के इस राशिफल में बहुत ही खास जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ खान पान के विषय में। किस राशि के लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसका कारण क्या है ऐसा बताने के पीछे, पिछले कुछ समय से दुनिया भर में लोग महामारी की वजह से अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुए हैं। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन तो वे कर ही रहे हैं, साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता रहती है कि क्या खाना उनके लिए ठीक रहेगा और क्या उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे भी सनातन धर्म में ये मान्यता रही है कि खाने से मनुष्य का तन ही नहीं उसके मन पर भी असर होता है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपकी राशि अनुसार क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये वीडियो के आखिर में आपको जानकारी दी जाएगी। पहले जान लीजिए अपना पंचांग जो कि स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। तारीख है 5, दिन है शनिवार, माह है ज्येष्ठ, पक्ष है कृष्ण। की तिथि की बात करें तो वो है एकादशी, नक्षत्र है रेवती, वहीं चंद्रदेव आज मीन राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:51 से 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल प्रातः 8:51 से 10:35 तक है। दिशाशूल पूर्व दिशा में है। वहीं चंद्रबल की बात की जाए तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। सूर्योदय प्रातः 5:22 पे, तो सूर्यास्त शाम को 7:16 पर। ये जानकारी है पंचांग की। अब आपको आपका राशिफल बताएंगे जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो है अपने क्वेश्चन लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल लिखते हैं और अपने निजी जीवन की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माफी चाहूंगी मैं इस वीडियो में शामिल करके जवाब नहीं दे पाती, ना ही कमेंट में रिप्लाई कर पाती हूँ, क्योंकि आपकी निजी जीवन की समस्याओं को, आपकी निजता को ध्यान में रखते हुए और हमें आपसे जब भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को जानना होता है तो उसके लिए हमें आपसे बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं जो यहाँ ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी कोई वीडियो के बारे में सुझाव है, ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो आप लिखिए। ऐसे टॉपिक्स लिखिए जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये शो देखते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको आपका राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करते हैं। आज आपकी सेहत पूरी तरह अच्छी रहेगी। जिन लोगों ने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी कर उसे बेचना चाहते हैं, आज उसको उसका खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा खासा, या प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आपके पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी न सुनने की प्रवृत्ति की वजह से वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका लव पार्टनर आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा वादा ना करे जिसे आप पूरा ना कर सके। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। आज किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आपके किए गए कामों को आज आपके ऑफिस में सीनियर्स द्वारा सराहा जाएगा, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाएगी। चलिए जानते हैं आपके लिए शुभ अंक। तो आज आपके लिए लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज स्त्रियों का आदर सम्मान करें, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। किसी करीबी दोस्त की मदद से आज कुछ कारोबारियों को अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना है। यह धन आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है। अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके काम के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, न कि लालच का जहर। आपके प्रिय का डवाडोल मिजाज आपको परेशान कर सकता है। अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क व दोस्त बनाएं। ज्यादा खर्चे की वजह से जीवन साथी से खटपट हो सकती है। वहीं शादीशुदा हैं तो आज आपके बच्चे की कोई शिकायत या उनकी कोई हरकत आपको पसंद नहीं आएगी, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। शुभ अंक यानी लकी नंबर जान लें आपके लिए। तो आज आपके लिए लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज के दिन भोजन में एक वक्त नमक ना खाएं, इससे प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते हैं और बोलते हैं। आज आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोच विचार खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। आज आपके दिल की धड़कने आपके लव पार्टनर के साथ ताल से ताल मिलाती हुई मालूम होंगी। जी हाँ, यह प्यार का ही खुमार है। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। वहीं आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन साथी में शहद से भी ज्यादा मिठास है। आपके पिता आज आपके लिए कोई तोहफा ला सकते हैं। शुभ अंक जान लेते हैं। तो आज आपके लिए जो लकी नंबर है
वो है आपके लिए आज तीन लकी कलर है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर आज जल प्रधान वस्तुओं का सेवन करें, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। सामाजिक मेलजोल से ज्यादा आज हेल्थ को प्राथमिकता आपको दी जानी चाहिए। पैसों की बात करें तो आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है। अच्छा बजट प्लान बनाकर चलने की आवश्यकता है जिससे कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। फैमिली लाइफ में आज विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को नजरअंदाज करें। वहीं लव लाइफ की बात करें तो रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान आज नहीं रखते हैं तो इस राशि के जो छात्र हैं आपकी चीज खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपकी चीजों को लेकर आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। मैरिड लोगों की बात करें तो अगर आप और आपका जीवन साथी आज खान पान पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं इस राशि के लोग जो हैं आज माता के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। आज वो आपसे आपकी बचपन की बातें शेयर कर सकती हैं। गृहिणियों को हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके लिए लकी नंबर, तो आज लकी नंबर है 6। लकी कलर है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करनी है। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। जिन लोगों ने लोन लिया था आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कत आ सकती है। यानी पैसों के मामले में आज कहीं से आपने कर्जा वर्जा लिया था तो उसको आज पैसों के मामले में दिक्कत आएगी, आप कर्ज नहीं चुका पाएंगे। हालात को काबू में करने के लिए अपने भाई की मदद लें, भाई समान जो है उससे मदद ले सकते हैं। आज के दिन पारिवारिक जीवन में विवाद को ज्यादा तूल देने के बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। वहीं लव लाइफ की बात करें तो आज रुमानियत का मौसम ज़रा खराब लगता है क्योंकि आपका साथी आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। जॉब और बिजनेस करने वाले लोगों की बात करें तो आज रात के समय आप कुछ अपने लिए टाइम निकालेंगे और घर के लोगों से जो है बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाएगा। प्यार से बढ़कर कोई एहसास नहीं है। आपको भी अपने प्रेमी को कुछ ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे जरूरी वो प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो, घर वाले हैं, उन सभी से आज कुछ ऐसी बातें बोलिए जिससे उनका विश्वास आप में बढ़े और प्यार को, आपके रिश्ते को नई ऊंचाई प्राप्त हो। गृहिणियों की बात करें तो आज आप जो है कुछ खास करके घर के लोगों को चौंकाने वाली हैं। शुभ अंक जान लेते हैं लकी नंबर, तो वो है आपके लिए 5। लकी कलर है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर आज के दिन आपको क्या कहना है, करना है, आज के दिन आपको लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाना है। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तनाव से आज बचने के लिए कीमती समय बच्चों के साथ गुजारें क्योंकि हेल्थ जो है आज उतनी सही नहीं रहने वाली है और बच्चों की उपचार करने की शक्ति को आप महसूस करेंगे। कहते हैं बच्चे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक होते हैं। उनके साथ अगर आप समय आज बिताते हैं तो जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होगी और साथ ही आप ऊर्जा से लबरेज हो जाएंगे। पैसों की बात करें तो दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। वहीं आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा पारिवारिक जीवन में। आज सब लोग जो है आपको खुशी देने की कोशिश करेंगे। आज लव लाइफ में किसी की दखल अंदाजी के चलते आपके लव पार्टनर के साथ रिश्ते में दूरी आ सकती है, तो तीसरे को इंटरफेयर आज ना ही करने दे तो बेहतर होगा। वहीं जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आज घर से बाहर आप निकलकर खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। मन आपका शांत रहने वाला है जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो आपका जीवन साथी अपने दोस्तों में आज कुछ ज्यादा व्यस्त हो सकता है, करीबियों में ज्यादा व्यस्त हो सकता है जिसके चलते आपके उदास होने की संभावना है। छात्रों की बात करें तो आज आप जो है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की मदद लेंगे, आज आप कुछ जो है नया सीखने की कोशिश करेंगे। वहीं गृहिणियों की बात करें हाउसवाइफ की, तो आज के दिन हो सकता है कि ससुराल पक्ष का कोई सदस्य आपके सपोर्ट में खड़ा रहे, आपको अच्छे शब्द कहे, आपके साथ रहे। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर आज के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वो काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, 24 से वीकेंड शुरू हो जाता है, तो आपको कोशिश यही करनी है काम जल्दी से खत्म करें और अपने लिए समय निकालने की कोशिश करें। पैसों की बात करें तो आज के दिन जो है आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। जो लोग उधारी के पास के लिए आपके पास आते हैं, पैसे मांगने आते हैं, उनको नजरअंदाज कर दें, अपने पैसे किसी को नहीं देने हैं आज। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें तो घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के काम काज के हिसाब से आज करना चाहे पेंडिंग पड़े कार्यों को कर लीजिए। वहीं लव पार्टनर की बात करें, लवर्स की बात करें, तो आज आपका लव पार्टनर पूरे दिन आपको याद करता रहेगा, तो कोशिश कीजिए उन्हें कोई प्यारा सरप्राइज देने की, तो इससे क्या होगा आज का दिन खूबसूरत दिन में तब्दील हो जाएगा। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात करें तो जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त हैं उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं, आज अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। वहीं मैरिड लोगों की बात करें
तो जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है, और यही आज नजदीकी आप महसूस करने वाले हैं। छात्रों की बात करें तो आज आपका मन जो है धार्मिक कार्यों में रमेगा, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। वहीं गृहिणियों की बात करें तो आज सेहत जो है थोड़ी नासाज हो सकती है दिन के उत्तरार्ध में, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, खान पान का ध्यान रखना है, योग ध्यान आदि करते रहना है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको, आज के दिन हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी, यानी आज जो आप हेल्थ में सुधार चाहते थे वो सुधार आपको दिख जाएगा। जो भी चीजें, जैसे आप अपने स्किन को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपने किसी बीमारी को लेकर जो भी बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे वो आज दिखने वाला है। पैसों की बात करें तो आज के दिन अगर आप कहीं से पैसा लेना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, या किसी से उधार लेना चाहते थे, किसी भी तरीके का, पैसों के मामले में दिन शुभता लिए हुए अच्छा रिजल्ट देगा, आज आपको पैसे मिलेंगे। फैमिली में आज घर वालों को, उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश करें, उपहारों का लेन देन करें, तो आज का दिन जो है आपका काफी अच्छा बीतेगा। वहीं लवर्स की बात करें तो अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप अपने प्रेमी से झगड़ सकते हैं, हालांकि आपका प्रेमी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत भी कर देगा। अब बात करते हैं जॉब और बिजनेस करने वालों की। तो आज जरूरत से ज्यादा जेब ढीली करने से बचे, नहीं तो आज आपको आर्थिक तौर पर आप थोड़े कमजोर हो सकते हैं। वहीं जो हमारे मैरिड लोग हैं, आप अपने जीवन साथी से काफी आत्मीय बातचीत कर सकते हैं। ये बातचीत जो है आपके फ्यूचर को लेकर भी हो सकती है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। वहीं कारोबारियों को रुकी हुई योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए आज सोचना चाहिए। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, यानी लकी नंबर। तो आज आपके लिए लकी नंबर है 7, लकी कलर है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर आज बेसन का हलवा खाएं भी और खिलाएं भी, इससे लव लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आज तनाव का कारण साबित हो सकती है। पैसों के मामले में दिन अच्छा नहीं है, दिन बहुत लाभदायक नहीं है, तो जेब पर नजर रखनी है और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से बचना है, और तनाव की वजह से आज सेहत भी साथ नहीं देने वाली है। मैरिड लोगों की बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ आज आप सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। वहीं जो हमारे जॉब और बिजनेस करने वाले लोग हैं, आपकी शोहरत बढ़ेगी और आज आप दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। छात्रों की बात करें तो खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आज आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा कार्य करने चाहिए, ऐसा करके आप में पॉजिटिव बदलाव भी आएगा। वहीं जो हमारे इस राशि के फैमिली वाले लोग हैं, आज आपकी खूबियों के चलते आपके परिवार वाले आपकी काफी तारीफ कर सकते हैं। गृहिणियों की बात कर ले तो आज आप जो है अपने किसी टैलेंट को निकाल सकती हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, जिसको अभी तक दबाए रखा था, आज आप आर्ट हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, कुकिंग ही क्यों ना है, कुछ भी हो, इंटीरियर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गृहिणियां ऐसी होती हैं जो कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों को, अपनी टैलेंट को दबा देती हैं, तो आज कुछ आपका ऐसा टैलेंट आपको दिखने वाला है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज के दिन आपको धार्मिक चीजों में मन लगाना है, भगवान में विश्वास रखना है, इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों की बात करें तो आज के दिन जो है सेहत आपका पूरा पूरा साथ देना, आप धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ेंगे, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर होगा। वहीं पैसों की बात कर लें तो जो लोग अभी तक बिना सोचे विचारे पैसे को उड़ा रहे थे, आज पैसों की आपको बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, और आपको समझ में आ सकता है कि पैसे के जीवन में क्या अहमियत है। आज लवर्स की बात कर लें तो अपने जीवन में आप एक संगीत पैदा करेंगे, समर्पण का मूल्य समझेंगे और हृदय में प्रेम और कृतज्ञता के फूल खिलाएंगे। यानी कि आज के दिन जो है प्रेमी को लेकर आपको देखने का जो नजरिया है, आप जो प्रेमी को जिस तरीके से देखते हैं वो बदलने वाला है। वहीं बात करें फैमिली लाइफ की तो आज आप महसूस करेंगे कि अभी तक आपने जितना भी समय अपने परिवार के लिए निकाला है वो कितना जरूरी था, और आपको उनको जो है एक दूसरे के साथ रहने के लिए छत के नीचे आपको उन्हें और समय देने की जरूरत है, उनके सुख दुख में भागीदार होने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि घर का कोई समस्या आपसे कोई बात छुपा रहा था अभी तक। अब बात करते हैं जॉब और बिजनेस करने वालों की। तो आज के दिन आप अपने खाली वक्त का उपयोग करने के लिए अपने किसी पुराने मित्र को कॉल लगा सकते हैं, जानकार को कॉल लगा सकते हैं, और काफी समय तक आप उनसे बातचीत करेंगे। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ आज का दिन बढ़िया गुजरने वाला है। वहीं कारोबारियों को रुकी हुई योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए आज सोचना चाहिए। हमारी गृहिणियों की बात कर लेते हैं तो आज के दिन आपका नीरस सा गुजरने वाला है, कुछ खास आपके जीवन में एक्साइटमेंट नहीं होगी। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज के दिन आपको शनि जी की पूजा करनी है, शनि के बीज मंत्र का जो है जाप करना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की।
या हंसी की चमक से उजला दिन है जब ज्यादातर चीजें आपके मन के मुताबिक होंगी। यानी आज सेहत अच्छी है आपकी, रुका हुआ धन भी मिलेगा और आर्थिक हालत में सुधार आएगा, लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं रहेंगे, कुछ अड़चनें आ सकती हैं। वहीं जो हमारे इस राशि के सिंगल लोग हैं, जल्दी ही शादी की शहनाई बज सकती है, जबकि जो अभी सिंगल हैं, जिनकी शादी की उम्र हो रही है उनकी शादी की बात चल सकती है, जो सिंगल है अभी शादी की उम्र नहीं है उनके जीवन में नए रोमांस का अनुभव करने वाले हैं, यानी कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। जॉब और बिजनेस करने वालों की बात करें तो आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिसके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। मैरिड लोगों की बात करें तो आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है, बिना किसी को बताए आज आप घर में छोटी मोटी पार्टी भी अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं जो हमारे छात्र हैं, लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी आपका जो आपकी उम्र है उसमें अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये पार्टी के लिए एंजॉयमेंट के लिए आने वाला समय आपको बहुत मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज करें लेकिन पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस रखें। गृहिणियों की बात करें तो घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ी आज परेशान रहने वाली हैं। शुभ अंक जान लेते हैं, आज आपका लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर दुर्गा जो है सप्तशती का पाठ करें, इससे पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 7 के 3 स्टार। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों। खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करें आज जिसमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा होती है, क्योंकि आज आपकी हेल्थ खाने पीने की वजह से बिगड़ने वाली है। पैसों की बात करें तो आप काफी पैसा बना सकते हैं लेकिन इसे अपने हाथ से फिसलने ना दें, जो पैसा आता है उसे सेव करने की भी कोशिश करें। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें तो आज परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदत को छोड़ना होगा आपको, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी आदत से जुड़ जाए और आपकी उससे अनबन हो जाए। वहीं लव लाइफ की बात करें तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका प्रेमी जो है आज आपको खुश रखेगा, आपका साथ देगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, आपकी खुशी का सबब साबित होगा। वहीं जॉब और बिजनेस करने वालों की बात करें तो आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग में करने वाले हैं, यानी आज के दिन आप कुछ आइडियाज निकालेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, अपने भविष्य के बारे में अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आज आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। हमारे जो इस राशि की गृहिणियां हैं, जीवन में सरलता तभी रहती है जब आपका व्यवहार सरल रहता है, आपको भी अपने व्यवहार में सरलता लाने की जरूरत है। ये लाइन्स मैंने क्यों कही है, ये आज आपको दिन के आखिर तक समझ में आने वाला है, क्योंकि लाइफ में जब सरलता होती है, मधुरा बोलते हैं, तभी आपको अपने सारे लोगों के साथ रिश्ते निभाने में मदद मिलती है। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर आज गाय को रोटी खिलाएं, स्वास्थ्य अअच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 7 के 3 स्टार। तो अभी तक तो जाना पंचांग क्या है, राशिफल क्या है, अब बारी उस खास जानकारी की, यानी किस राशि के जातक को क्या खाना चाहिए। क्यों बता रहे हैं, कोरोना काल से हम सभी गुजर रहे हैं, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग रहेगी अगर आप अपने अच्छा खाते हैं, और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए अच्छा खाते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ग्रहों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, ग्रहों के अनुसार किस राशि के जातक को क्या खाना चाहिए आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो अभी सारे लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि किसी न किसी के लिए हर किसी की राशि होती है, किसी आपके जानने वाले की राशि है, तो आप उनको भी जरूर बताइएगा। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल है, मेष अग्नि तत्व की राशि है, ऐसे में इस राशि के जातकों को ठंडे तासीर और लाल रंग की खाद्य वस्तुओं का ज्यादा सेवन करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को चुकंदर, आलू, प्याज, खीरा, सेब, नींबू, बीन्स और बंद गोभी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। वहीं मेष राशि के जातकों को रेड मीट और मछली से परहेज करने की सलाह दी जाती है, जो यानी कि नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, तो वृषभ राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र है, शुक्र भौतिक सुखों का कारक माना जाता है, वृषभ राशि के जातक इसी वजह से खाने के शौकीन होते हैं, शुक्र देवता को सफेद रंग बेहद प्रिय है, ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को फल और सब्जियों के साथ चावल का भी सामान्य रूप से सेवन करना चाहिए। वहीं उड़द की दाल, सरसों और जौ से वृषभ राशि के जातकों को परहेज करने की सलाह दूंगी मैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, बुध बुद्धि और संचार के कारक हैं, इसीलिए मिथुन राशि के जातक बुद्धि से तीक्ष्ण और काफी वाक्पटु होते हैं, ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को स्वस्थ दिमाग के लिए तले भुने चीजों से परहेज करना चाहिए। बुध का पसंदीदा रंग हरा है, ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को हरी सब्जियों और फल का ज्यादा सेवन करना चाहिए, मूंग की दाल भी उनके लिए फायदेमंद रहेगी। वहीं गन्ना और पान से मिथुन राशि के जातकों को परहेज करने की सलाह दूंगी मैं। अब बात करते हैं कर्क वालों की, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा सभी द्रव चीजों के जो है स्वामी भी हैं, ऐसे में कर्क राशि के जातकों को सफेद या फिर ऐसी चीज जिसमें पानी की अधिक मात्रा हो उसका सेवन जरूर करना चाहिए, जैसे कि चावल, हरे पत्ते की सब्जी, रसीले फल या जूस का सेवन कर्क राशि के जातकों के लिए उपयोगी रहेगा।
वहीं क्या वर्जित है आपके लिए परहेज करना है वो है सब चीजें अरबी, मूली और बैंगन, इससे कर्क राशि वाले परहेज करें। अब बात करते हैं सिंह वालों की, तो सिंह राशि का स्वामी ग्रह है सूर्य, यह भी अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक और सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। इन्हें जौ, ज्वार, दूध, दलिया और हर तरह की दाल खानी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को जो है फलों में केला, आम, नारियल, अनार, खजूर का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। कन्या राशि वालों की बात करते हैं, तो कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध को माना गया है। कन्या राशि के जातकों की पाचन शक्ति और राशियों के मुकाबले थोड़ी कमजोर होती है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को बीन्स, चावल, जौ, मूली के दाल, रसीले फल या फिर ऐसे फल जो पानी में उपजते हो उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। आप फूल गोभी और पपीता से परहेज करें। अब बात करते हैं तुला वालों की, तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। ऐसे में तुला राशि के जातकों को राजमा, जौ, सरसों और उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए। साथ ही इन्हें ऐसी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें बारीक रेशे। वृश्चिक राशि वाले ध्यान से सुनिए, क्या खाना है क्या नहीं। मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि पर आधिपत्य है। वृश्चिक राशि के जातक किसी वजह से स्वभाव से पॉजिटिव रहते हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को पान, गन्ना, नींबू, खरबूजा और कटहल का ज्यादा सेवन करना चाहिए। वहीं पत्तेदार सब्जियों से परहेज करने की आपको आवश्यकता है। धनु राशि वाले, धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। ये वजह है कि धनु राशि के जातक खाने में संयमित माने जाते हैं। धनु राशि के जातकों को अपने खाने में अंकुरित अनाज, जौ, तिल और चावल को जरूर शामिल करना चाहिए। कुछ फल जैसे कि नारियल और केला भगवान बृहस्पति से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में मकर राशि के जातकों को अपने भोजन में उन चीजों की मात्रा अधिक रखनी चाहिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में हो। केला, नारियल, चीकू, आम और अनार का सेवन जरूर करें। सर्दियों में पैदा होने वाली सब्जियों से परहेज करने की मैं आपको सलाह दूंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि का स्वामी ग्रह भी शनि ही है। शनि को काला रंग विशेष तौर से प्रिय है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को काले रंग की वस्तुओं को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। चावल, केला, नारियल और तेज पत्ता का सेवन कम करें। और अब सबसे आखिर में मीन वाले, क्या खाएं क्या नहीं ध्यान से सुनिए। मीन राशि के स्वामी ग्रह भी सूर्य देवता है। मीन राशि के जातकों को अपने भोजन में उड़द की दाल, गेहूं से बनी चीज, जौ, खिचड़ी, जूस, फल और गुड़ को शामिल करना चाहिए। गोभी और बैंगन जैसी सब्जियों से परहेज करें। तो ये जानकारी हो गई क्या खाना है क्या नहीं राशि अनुसार, तो आप अपनी राशि अनुसार इसका लाभ उठाइए। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊं जो आपके लिए न्यू हो, काफी उपयोगी हो, आप उसको डेली लाइफ में अपने अपना सके। तो आज ये जानकारी दी कि राशि अनुसार किसे क्या खाना है क्या नहीं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी है। लगी है तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन, एनिवर्सरी या कोई खास दिन है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल शाम 5 बजे आना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एसोसिएशन। नमस्कार।